मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में हरियाणा से लूट के मामले में वंचित बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाश नूह मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि थाना सदर क्षेत्र में रात्रि करीब 1 बजे चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने दो बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इस दौरान जावेद पुत्र सुभान निवासी तिलवाड़ा नहु हरियाणा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा साथी आजम मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान जावेद के पैर में गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस फरार आरोपी आजम की तलाश में जुट गई। शहर में नाकाबंदी कर दी गई, चारों तरफ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं जब थाना हाईवे इलाके के NH2 पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना सदर से मुठभेड़ के दौरान फरार बदमाश को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी। घायल बदमाश की पुलिस ने घेराबंदी कर ली और बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया, जहां पुलिस कस्टडी में दोनों बदमाशों का इलाज किया जा रहा है। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो हरियाणा से लूट के मामले में वंचित चल रहे थे। पकड़े गए शातिर बदमाशों पर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार बदमाश जावेद और आजम दोनों के पैर में गोली लगी है, जिनका मथुरा के जिला अस्पताल में पुलिस कस्टडी में इलाज किया जा रहा है। दोनों बदमाशों से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। ये पहले एक सदर थाने में मुठभेड़ हुई थी, फिर उसके बाद जो है दूसरी मुठभेड़ हाईवे थाने पे हुई है। दो अपराधियों को गोली लग रही है, एक का नाम आजम है, दूसरे का नाम जावेद है, और ये दोनों जो है हरियाणा से बिछोड़ थाने से वांछित चल रहे थे। और ये बेसिकली इनके ऊपर डकैती के कम से कम जो है लगभग आधा दर्जन के अधिक मुकदमे हैं। और कल सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम द्वारा इनको रोका गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। एक जना जो है उसके अंदर आत्मरक्षात फायरिंग पे जो है घायल हुआ, दूसरा व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया था। उसका भी रात भर सर्च ऑपरेशन मिला तो उसकी लोकेशन मिली थी। जब वहाँ पुलिस टीम पहुँची तो वहाँ भी उसके द्वारा फायर किया गया, और उस संदर्भ में जो है दोनों संबंधों में पुलिस मुठभेड़ हुई है, अपराधियों को गोली लगी है, और अभी दोनों का इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। बाकी विधिक कार्रवाई करी जा रही है। जो कंसर्न थाना है हरियाणा के, वहाँ पे भी सूचित किया जा रहा है। सर, इन पे क्या इनाम भी था? नहीं, ये हरियाणा से वांछित चल रहे थे, हमारे जिले से या प्रदेश से वांछित नहीं थे। इनाम वहाँ पर है कि नहीं, इसको हम लोग और तस्दीक करा रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.